मार मार के सबसे अपने उतनी तो मेरा नाम भी ट्रैक्टर भाई नहीं टेम्पो भाई अच्छा कायदा लसा है तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो ट्रेवो ने हमें कॉल लगा के बोला हम लोग ब्रिज साइड हैं आ जाओ फाइट करते हैं लेकिन भाई हमें क्या पता था इन लोगों ने हमारे लिए बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है और उसमें हम लोग फंसने जा रहे हैं तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार सब बढ़िया हो ना यार तो आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेके और भाई यकीन करो आज वाली वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है वैसे आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे लेकिन फिर भी मैं आप सभी को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ यार देखो जैसे ही मैंने ये वाले मैच को स्टार्ट किया तभी मैं देखता हूँ मेरे सामने एक टकली लड़की फुदक रही है इसे देखते ही मैं समझ गया था ये तो हमारे यशु भाई है लेकिन भाई उतने में मुझे दिख जाते हैं हमारे ट्रैक्टर भाई तो भाई लोग कुल मिला के कहा जाए ट्रैक्टर भाई और यशु भाई से हमारी मैच मेकिंग हो गई अब देखो यार आप कंफ्यूजन में रहो उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बता देता हूँ ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए यार देखो सीन ऐसा था इससे पहले भी हम लोग कुछ मैच खेल रहे थे जिसमें हमारी अचानक से मैच मेकिंग हो जाती है लेकिन भाई वो वाले मैच में तो हम लोग इधर उधर जाके मर गए और भाई फिर हम लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया कि उन्हें जानबूझ के मैच मेकिंग करी जाए और देखा जाए कौन किसको मारता है हमें यकीन तो नहीं हो रहा था लेकिन भाई हाँ हम लोगों की मैच मेकिंग सक्सेसफुली हो जाती है अब देखना तो ये है आखिर कौन किसको मारता है मैच स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को हमारी टीम बता देता हूँ मेरी टीम थे विजय तंकल डिजास्टर और फुटफुटी और ट्रैक्टर भाई की टीम में थे स्वयं ट्रैक्टर भाई यशु यशु टाइटन और एक और उनके टीममेट थे जिनका नेम था चंदू और सबसे बड़ी बात आज वाली वीडियो में मैंने 27 किल करे हैं तो आज की वीडियो को पूरा देख के जाना यकीन करो आपको मजा बहुत आने वाला है अब हमें लग रहा था वो लोग भी नोबो आएंगे तो हम लोग भी नोबो कूद जाते हैं लेकिन भाई यहाँ आने के बाद तो कुछ और ही हो जाता है अरे यार यहाँ तो और दूसरे बंदे आ गए भाई भागो जल्दी भागो पता चले उनसे फाइट होने से पहले ही हमें किसी ने ठोक दिया ये हथियार लेके मेरे पीछे कौन आया बे भाई बस एक बार गन मिल जाए सालों को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा अरे लगता है गन मिल गई रुको सालों अब बताता हूँ तुम लोगों को यही था क्या जो मेरे पीछे हथियार लेके पड़ा था हाँ भाई आ गया स्वाद आप सभी ने स्टार्टिंग में देखा ही होगा यहाँ पर 3-4 बंदे कूदे थे मतलब यहाँ पर अभी भी और बंदे हैं अरे भाई साहब ससुरा शॉटगन लेके बैठा है बे इन बंदों को तो हम लोग मार ही रहे हैं लेकिन हम लोगों का असली मकसद तो कोई और ही था अब आप लोग किल फीड पे ध्यान दो तो यहाँ पर यशु यशु भाई का नेम चल रहा है और तभी मुझे ट्रैक्टर भाई का नेम भी दिख जाता है अब आपने सुना होगा सामने से फायरिंग फूरिंग की आवाज आ रही है अब मुझे लग रहा था हो सकता है लोग यहीं पर फाइट कर रहे हो तो मैंने विजय अंकल से कहा चलो भाई इनके साथ पीछे से बल्ले बल्ले किया जाए यहाँ पर मैंने एक किल चोरी कर लिया अब पता नहीं ये वाला किल किसका था सामने वाले घरों पर ना कुछ बंदे थे अब हमें ये नहीं पता था वहाँ पर कौन से बंदे हैं ट्रैक्टर की टीम है या फिर कोई और ही बंदे हैं लेकिन उतने में डिजास्टर उनके ऊपर रश कर देता है स्पाइडी इन्हीं की टीम का है क्या ट्रेवो की टीम का नहीं नहीं उनकी टीम का नहीं है ये तो कोई और ही बंदे हैं वो यहाँ आए नहीं थे भाई वो तो यहाँ आए नहीं थे ना वो कह रहे थे यार तुम लोग वहाँ क्यों पहुँच गए तो भैया कॉल ही तो आई थी वो कह रहे हम आ रहे हैं नोबो यार नोबो में सब बंदे खत्म हो गए लेकिन हमें उनकी टीम कहीं पर भी नहीं मिली फिर हमें पता चलता है वो तो यहाँ पर आए ही नहीं थे अरे सुनो 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 अरे सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो गाड़ी पे मत बैठना इधर कोई खड़ा है ठीक है विंडो पे कोई खड़ा है हमें पता है क्या लग रहा था हो सकता है वो लोग हमारे साथ स्कैम कर रहे हो और नोबो में ही कहीं पर छुपे हो तो हम लोग जो भी कर रहे थे बहुत सावधान पूर्वक कर रहे थे क्या पता वो लोग कब कहाँ से हमारे साथ बल्ले बल्ले कर दें अब भाई लोग हमारी उनसे कॉल पर बात होती है तो वो लोग कहते हैं भाई हम लोग नोबो आ रहे थे लेकिन ब्रिज पर कोई और बंदे कैंप कर रहे हैं तो हम लोग नोबो आ ही नहीं पा रहे तो हम लोग कहते हैं भाई टेंशन मत लो हम लोग भी ब्रिज पर आ रहे हैं और भाई हमें बिल्कुल भी पता नहीं था हम लोग बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहे हैं गाड़ी लगी यार ब्रिज पर सच में कैंपिंग हो रही थी तो हमने कहा चलो भाई दूसरे ब्रिज से चलते हैं अरे निकाल देते ना सीधा क्या इतना क्या डरना भाई? और तभी डिजास्टर बोलता है भाई इतना क्या डरना मैं बीच से ही निकाल देता हूँ और भाई लोग ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी भाई,
और भाई सच में यहाँ पर एक दूसरी टीम कैंप कर रही थी। और भाई लोग हम लोग एक चीज भूल जाते हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर यस की टीम भी कैंप कर रही थी। अरे भाई ये क्या छोड़ के भागे भाई यार, यहाँ पर ये लोग बहुत खतरनाक कैंपिंग कर रहे थे। अगर हम लोग यहाँ से निकलते तो ये लोग हमें भी मार देते। और भाई मजबूरन हमें फुटफुटी को छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। अब जैसे हम लोग अपार साइड आते हैं तभी पता चलता है वो लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं। और भाई यहाँ पर ये लोग आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले भी गए। मेरे हाथ में और विजेता अंकल के हाथ में दोनों के पास ही डीबीएस थे और भाई डीबीएस ने खत्म कर दिया भैया मैटर। हमारे यशु भाई के साथ तो बल्ले बल्ले हो गया यार, सॉरी यशु भाई, इतना तो चलता है। खैर भाई लोग अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ हमारा 27 किल वाला गेम प्ले। आप सभी को एक चीज बताऊँ, ये वाले गेम प्ले में मैंने 16 मिनट के अंदर 27 किल कर दिए। हाँ यार मजाक नहीं कर रहा, ये वाले गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसको एंड तक देखना। फिलहाल तो भाई मैं जैसे तैसे गोल मटोल वाले घर में उतर जाता हूँ और उतरते ही मुझे गन भी मिल जाती है। स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत ज्यादा भसड़ मचती है, आप सभी को तो पता ही है, लेकिन देखना तो ये है आखिर मैं कैसे इसमें 27 किल करता हूँ। अब मेरे टीममेट बताते हैं भाई इस साइड बहुत ज्यादा बंदे हैं, तो मैं फटाफट से यहाँ पर आ जाता हूँ और तभी मुझे कुछ बंदे दिख भी जाते हैं। ठीक है भाई चलो चलो फटाफट से रश करते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा किल करने हैं। भाई अच्छा हुआ इस बंदे को टाइम से मार दिया, नहीं तो पीछे वाले बंदे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, आपको तो ये पता ही है। अरे वो वाले बंदे बहुत ज्यादा डैमेज है, रुक जा मैं आता हूँ। अरे इसको तो मैंने पहले ही मार दिया था, ये देख फिनिश भी कर दिया। इस साइड के बंदे तो हमने खत्म कर दिए, लेकिन भाई अब बंदे बचे थे वो लंबे वाले घर के पास। पूरा राइट आ जा मेरे वाले बंदे। मैंने जिसको नॉक किया उसके पास जा ही रहा था, लेकिन उतने में पता चलता है डिजास्टर के पास भी एक बंदा है। अंडे अमलमपुरम भी खतरनाक गन है यार। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे टाइगर भाई आप यूएमपी को अंडे अमलमपुरम क्यों बोलते हो। अरे देखो यूएमपी अंडे अमलमपुरम कितना मस्त नेम है। यार मैं ना बंदों को सुख से लड़ाई नहीं करने देता, कहीं भी कहीं से ठोक देता हूँ, बेचारे मुझे बद्दुआएं देते होंगे। अरे इसके अंदर भी बंदे हैं, रुको अभी पिलाता हूँ इनको देसी पौआ। अंदर के अंदर के। ये नॉक किसका है? ये नॉक किसका है? नो किसी का, इसी का, इसी का, इसी का, इसी का, इसी का, मेरे पास नीचे 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 फ्लोर पे, नीचे फ्लोर पे, नीचे फ्लोर पे सीढ़ी पे देखो। उसको छोड़ टाइगर का। और भाई यहाँ पर ये वाली टीम खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग एक दो बोर्ड दादा के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, अब जैसे हमने इनको मारा तभी हमें फायरिंग सुनाई देती है, वो भी रियल बंदों की। देखो भैया सीन ऐसा है, हमें तो करना है हाई किल, हमें जहां बंदे देखेंगे हम लोग वहीं घुस जाएंगे। रुक जाओ मुन्ना, तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, काहे इतनी टेंशन ले रहे हो। एक बंदे को तो मैंने नॉक दिया लेकिन दूसरा बंदा बाकी था, और आपने देखा होगा हमें पीछे से किसी ने फायरिंग दी थी, मतलब यहाँ पर और भी बंदे आ रहे हैं। इस कमरे में बैठे एनिमीज अहेड, पैनिक रूम में। ओके हां हां दिक्कत है, गन राइट इधर, टाइम वेस्ट नहीं। क्या है वो? दूसरे कमरे, दूसरे कमरे। चलो अरे टीममेट थी ये तो, पास ही
इसकी लास्ट टीममेट बची थी जिसका नेम था पुष्पा। पुष्पा अब लॉबी में जाके खुशफुसाओ। वैसे भालू आप सभी ने मेरी M4 के बहुत ज्यादा तगड़े तगड़े सपरे देखे हैं। चलो आज फिर से एक और दिखा ही देता हूँ। यार मुझे लगता है जब भी मैं गाड़ी में बैठे बैठे सपरे मारता हूँ मेरे सपरे बहुत ज्यादा खतरनाक जाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। और हाँ, जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया था तो दबा दो मेरी जान, एक लाइक तो बनता है यार, दबा दिया करो। यार अभी तक तो मेरे गेम प्ले बहुत अच्छा जा रहा था, मेरे 20 किल हो चुके थे, लेकिन भाई जैसे जैसे हमारे गेम प्ले आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी कठिनाइयां भी बढ़ती जाती है। हम लोग बंदों की तलाश में पोचिंग की साइड आए थे और तभी हमें पता चलता है यहाँ पर कुछ बंदे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। Enemies ahead. Enemies ahead. मुझे लगा एक ही बंदा रश कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसको खोला पता चलता है दो दो बंदे रश कर रहे थे। भाई साहब यहाँ पर क्या कवर दिया यार, वो वाला बंदा हमें देख ही रहा था, बस मारने से चूक गया। Enemies ahead. अब हम लोग ना बंदों की तलाश में यहाँ पर आते हैं और भाई ये वाले गेम प्ले की सबसे खतरनाक बंदों से हमारी फाइट होने वाली थी। सामने साइड हमें बंदे देख चुके थे तो हमने सोचा पहले इनको समन करने देते हैं, क्या पता हम लोग इनकी विश चोरी कर ले। और जैसे ही इन लोगों ने समन किया हमने कर दिया इनके ऊपर रश, लेकिन भाई यहाँ पर हो जाती है थर्ड पार्टी और देखो फिर क्या हुआ। इनके बीच मांग लो अगर मांग सकते हो। यार एक हिसाब से कहा जाए तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन बंदे बैक टू बैक रश करे जा रहे थे और उतने में मेरे साथ गलत सीन भी हो गया। लेकिन भाई मजे की बात ये थी हमारा रिकॉल अभी भी बाकी था तो मैं रिकॉल होके फटाफट से आ जाता हूँ इन्हीं बंदों के ऊपर। यहाँ पर दो बंदे थे, एक बंदा उड़ के भाग गया और एक बंदे को मेरी टीममेट ने नॉक कर दिया। भाई यहाँ पर मैं मजे में लूट करने लगता हूँ लेकिन उतने में ये हुआ। I got supplies. Revive dera. Enemies ahead. यार आज अपनी किस्मत में ही चिकन डिनर नहीं था, क्या कर सकते हैं। तो बस भाई लोग यही थी आज की वीडियो जो कि आप सभी ने देख ली। आज वाली वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सभी को आज वाली वीडियो में जरा सा भी मजा आया हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और ये वाली वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो यार, आपके एक शेयर से मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी तो कर दो जल्दी से। और हाँ, आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, लिंक कमेंट पिन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस भाई लोग यही थी आज की वीडियो जो कि आप सभी ने देख ली। तो खैर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।